शांत रहिए। क्वेश्चन बोले यार, क्वेश्चन यदि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक हाँ 3/5 है तथा अन्य पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 8/5 है तो जल का अज्ञात पदार्थ के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ये तो इसमें एक चीज ध्यान देना है। एक दिया है जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, जैसे हम लोग पढ़े थे 1 and 2, मतलब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, तो ये हमारा बराबर दिया है 3/5। ठीक, तो जैसे हम 1 और 2 लिखे हैं, वैसे हम 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वायु। 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, वायु का अपवर्तनांक निकालेंगे। वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक है, तो जल का, पानी का, जल ना, ये बराबर क्या हो जाएगा 3/5। बस नहीं, अब अगर मान लीजिए इसको हमको अंग्रेजी में डिनोट करना है, क्योंकि ऐसा लिखना अलाउ नहीं है, ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वायु का अंग्रेजी क्या होता है, एयर। एयर का क्या लिखेंगे, ए, और जल का क्या होता है, A n W, बराबर क्या हो जाएगा 3/5। ठीक, दो माध्यमों का अगर निकालना है तो उसमें हमको क्या करना होता है, दूसरे का बटा करना होता है। ठीक, और दूसरा एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा माध्यम क्या है, दूसरा क्या दिया है, एक अन्य पदार्थ का वायु के सापेक्ष, मतलब जैसे मान लेते हैं n दिया है, इसका a दिया है, लेकिन जो अन्य पदार्थ हो मालूम नहीं है उसको मान लेते हैं अननोन का मतलब u, ठीक ना, अननोन का मतलब अज्ञात, उसको u मान लेते हैं। ठीक, क्योंकि अननोन में पहला अक्षर क्या आता है, u आता है ना, UNKNOWN, अननोन, तो इसको हम मान लेंगे क्या, अननोन बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8/5, यही हो जाएगा ना। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों का क्या करेंगे, बटा कर देंगे, ये हो जाएगा AN W upon AN U, ठीक, बराबर 3/5 upon 8/5। ये A इसमें क्या है, कट जाएगा, कॉमन चीज है, ये हमारा बचा क्या, W और U, तो ये हो जाएगा WN U। ठीक, मतलब जल के सापेक्ष अन्य ठोस है, निकालना क्या है,
जल पदार्थ के सापेक्ष अपवर्तन ज्ञात कीजिए। नहीं नहीं, जल का ज्ञात करना है, है? पानी का। सेकंड रुक जाओ यार, अब इसमें देखिए क्या क्या निकालना है। जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है? जल का दिया है, अन्य पदार्थ का वायु के सापेक्ष, जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/5 है तथा अन्य पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 8/5 है। ठीक, तो जल का अज्ञात पदार्थ के सापेक्ष जल का निकालना है ना। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा यन, ये W ही रहेगा और इधर क्या हो जाएगा U। ठीक, तो ये हमारा फिर हो जाएगा, इसको पलट देंगे अगर हम, तो ये 3/5 × 5, अब की बारी क्या हो जाएगा 5/8, तो ये 5 से 5 कट गया, तो ये हमारा क्या आ गया W अन U इक्वल टू 3/8, यही हमारा आंसर आ गया। बात समझ आई, यही आया ना। ठीक, जिसका नहीं है वो छाप ले। हेडिंग लिए अपवर्तनांक का अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध है। हाँ, ठीक है ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की चाल जो है हम उसको दिखाते हैं सी से। प्रकाश की चाल को हम किससे दिखाते हैं? सी से। और ये जो होता है 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल जो है अगर देखा जाए तो ये जो है एक सेकंड में 3×10^8 का मतलब कितना दूरी तय करती है, तो 3 के बाद 8 जीरो लगा दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी कितना हो जाएगा इसको खुद काम कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है प्रकाश। ठीक है ना, प्रकाश जो है कितने स्पीड से चलता है, तो 30 करोड़ 1 सेकंड, 30 करोड़ जो है कि चाल से वो चलता है। सोच लीजिए कितना तेज चलता है। ठीक ना, कोई बुलेट ट्रेन नहीं, कोई भी ट्रेन बना दो, चाहे रिक्शा ट्रेन बना दो, वो नहीं इतना तेज चलेगा, है ना। चाहे मोदी दौड़े खुद तब भी नहीं चल पाएंगे शायद। ठीक, अब मोदी और राहुल अगर दोनों एक साथ दौड़े हो सकता है पहुंच जाए। और मन मन तो भैया और पूछो मत, मन तो जो है अभी यहाँ 1 सेकंड बाद अमेरिका पहुंच जाएगा। ठीक, तो माध्यम का अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है, माध्यम का अपवर्तनांक ये हो जाएगा बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल। ठीक, एक चीज ध्यान दीजिएगा, वायु को है हम निर्वात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कहा जा सकता है निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, अब इसको डिनोट किससे करेंगे, तो अपवर्तनांक को हम किससे डिनोट करते हैं? यन से। ठीक,
वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल को हम किससे दिखाते हैं? तो इसको दिखाते हैं हम सी से, किससे दिखाते हैं? सी से। ये हो जाएगा सी अपान वी। बात समझ आई? कोई दिक्कत? तो एक हमारा सूत्र आ गया, अगर पूछा जाए माध्यम का अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो वायु या निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक। परिभाषा अपने आप तैयार है। नंबर एक पे हम इसको बोलेंगे और नंबर दो पे इसको बोलेंगे और नंबर तीन पे हम किसको बोलेंगे? जो अनुपात है हमारा, बटा जो है इसको हम क्या बोलते हैं? अनुपात। और इसको कितना नंबर पे बोलेंगे हम? तीन नंबर पे। परिभाषा अपने आप तैयार है। बात समझ में आई? तो निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक। जिसमें से प्रकाश की चाल को हम सी से दिखाते हैं और प्रकाश की चाल जो होती 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और माध्यम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपका माध्यम के तौर पर अगर देखा जाए तो ये जल हो सकता है, कांच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। बात समझ आई? इसको इतना उतार लीजिए, पहले परिभाषा लिखिए, पहले इसको छापेंगे, छाप लो यार, छाप लो। अच्छा एक चीज बताइए, अगर पूछा जाए है, अगर पूछा जाए निर्वात क्या होता है, तो हवा। निर्वात मतलब जो जहाँ पे हवा ना हो, तो कम से कम दो चीज होगा। कहीं पे मान लीजिए अगर बंद माध्यम है तो वैक्यूम की सहायता से हवा को निकाला जा सकता है, और अगर खुला माध्यम तो वहाँ पे हवा रहेगा, क्योंकि किसी के जो है पिताजी प्रॉपर्टी नहीं कि हवा को वहां से डांट के भगा दे, है ना? कि है कोई कोरोना नाम का वैक्सीन है? कौन है अपने घर से हवा भगाया आज तक? तो निर्वात का मतलब क्या होता है? वायु की अनुपस्थिति में। निर्वात का मतलब क्या होता है? वायु की, जहाँ पे वायु ना हो, ठीक है ना? तो परिभाषा क्या बनेगी? किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। लिखिएगा। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा, निर्वात का मतलब क्या होता है? जहां पे हवा ना रहे, ठीक। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। और प्रकाश की चाल वायु में 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां पे हमको एक चीज ध्यान देना, जहां पे हम सी लिखेंगे ना, है शांत रहो यार, जहां पे हम सी लिखे हैं वहां पे मान क्या रखेंगे? 3×10^8। ठीक है ना? जब सवाल लगाएंगे तो सी के जगह पे क्या रखेंगे? 3×10^8। ठीक, मिटाए इसको।
हेडिंग डालिएगा दो माध्यमों का वायु के सापेक्ष, हेडिंग डालिएगा दो माध्यमों का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, दो माध्यमों का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब वायु से हम कितने पदार्थ का तुलना करेंगे, दो माध्यम का, ठीक है ना। तो उसमें हम ले लेते हैं, एक माध्यम ले लेते हैं कांच और दूसरा माध्यम ले लेते हैं जल, ठीक है ना। वायु है, वायु के सापेक्ष एक माध्यम हमारा क्या हो जाएगा, कांच, और दूसरा क्या हो जाएगा, जल, ठीक, बात सुन गई। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना क्या है, अपवर्तनांक। तो हम क्या लिखेंगे, यन से अपवर्तनांक को दिखाते हैं, वायु का हम क्या दिखाते हैं, एयर, ठीक ना, स्मॉल लेटर लिख रहे, कैपिटल नहीं लिख रहे जानबूझ के। कांच का क्या होता है, ग्लास, और जल का क्या होता है, वाटर। तो वायु, एयर का हम क्या लिखेंगे, ए, और ग्लास का क्या लिखेंगे, जी, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, ए, और इधर क्या हो जाएगा, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। प्रकाश की चाल वाला अपनाते हैं फार्मूला, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहां पे हमारा क्या था, सी अपान वी, ठीक, किस माध्यम का नाम हमारा क्या है, ग्लास। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वी जी, बात सुन गई। यहां पर भी क्या लिखेंगे, सी अपान वी, और यहां पे माध्यम क्या हमारा, जल। तो यहां पे क्या लिख देंगे, थोड़ा सा बड़ा लिखे, डब्लू, बात सुन गई। इसको मान लेते हैं समीकरण एक, इसको मान लेते हैं समीकरण दो, बात सुन गई, कोई दिक्कत। अब हम क्या कर देते हैं, दोनों का तुलना कर देते हैं। जब दोनों तुलना करेंगे, इतना छापे जगह नहीं है, आएगा नहीं इधर, इसको छाप लो पहले, इतना समझ आया ना, हाँ सर, हो गया इतना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यन बराबर होता है यन टू अपान यन वन, एक सूत्र होता है यन बराबर यन टू अपान यन वन, मतलब यन टू हमारा क्या है, बाद वाला पहले वाला, बाद वाला, हाँ ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण दो में भाग दे देंगे किससे, समीकरण एक से। तो हम कह सकते हैं समीकरण दो बटे समीकरण एक, ठीक है। अब समीकरण दो का मान क्या है, मिटाए इसको, समीकरण दो का मान हमारा क्या है, ए एन डब्लू, पहले ही रख देते हैं यार, ए एन डब्लू अपान समीकरण एक का मान क्या है, ए एन जी बराबर, ये क्या हो जाएगा, सी डब्लू सी अपान वी डब्लू डब्लू बटे सी अपान वी जी, हो गया, बात सुन गई। अभी पलटेगा कि नहीं पलटेगा, पलट जाएगा, ए से ए कैंसिल होगा, बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यन, और ये हो गया डब्लू, और ये हो गया जी, ठीक। ये हो जाएगा सी अपान वी डब्लू गुणे वी जी अपान सी, सी से सी कट गया, हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे,
डब्ल्यू जी वी जी अपान वी डब्ल्यू वी डब्ल्यू ठीक है ना। बात सुन रही कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। इतना उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। निकाल रहे ना, ये जो है डब्ल्यू एन जी नहीं होगा, जी एन डब्ल्यू होगा यार, ठीक है ना, जी एन डब्ल्यू, इसको जी एन डब्ल्यू बना देंगे बस, बाकी सब सही है। हाँ बोलो, अरे यार नियतांक है, हमेशा स्थाई रहता है। हाँ वो एक के बाद लिखा जाए, वहाँ पर भी एक ही लिखिए क्या? कहाँ एक ही? वहाँ कहाँ यार? अरे ऊपर, हाँ वही, ये अपान है इसका ना, जो नियम वही रहेगा, तुम्हारे कहने से हो जाएगा। अरे हम सब मुझे को कह दे, क्वेश्चन लिखिएगा। देखिएगा, यदि वायु में प्रकाश की चाल, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन, यदि वायु में प्रकाश की चाल तीन गुणे दस की पावर आठ मीटर प्रति सेकंड है, तो तथा लिखिएगा, तो नहीं, तथा जल में प्रकाश की चाल एक दशमलव पांच गुणे दस की पावर चार मीटर प्रति सेकंड है, तो अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यहां पे हमारा सूत्र क्या लगेगा? माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? सी अपान, किसमें निकालना है? जल में ना, वी डब्ल्यू, यही ना, तो सी बराबर क्या हो जाएगा? तीन गुणे दस की पावर आठ अपान एक दशमलव पांच गुणे दस की पावर चार, डेढ़ दुना तीन, ये हो गया हमारा दो गुणे दस की पावर आठ अपान, ये हो जाएगा दस की पावर चार। बात समझ आई? यस सर, यस सर। ठीक, अब एक चीज ये बताइए कि नीचे अगर बटे में जो है, अगर इन्हें समझ आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम इसको लिख सकते हैं, दो गुणे दस की पावर आठ का मतलब दस का बार है आठ बार, दो गुणे एक दो तीन चार पांच छ सात एक आठ, और ये नीचे कितना बार है? एक दो तीन और एक चार, चार ये काट दीजिए, एक दो तीन चार, चार ये काट दीजिए, कितना बचा? दो गुणे दस की पावर चार,
ये हो गया 2×10^4, ठीक ना। ये आ गया हमारा अपवर्तनांक। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? चाहे आप डायरेक्ट काट दीजिए, यहाँ पे अगर डायरेक्ट काट देंगे तो आ जाएगा 10^4। अगर मान लीजिए मैथ में आपको प्रॉब्लम है, ऐसे तो कर ही सकते हैं ना, ठीक। तो जिसको जैसा उचित लगे वो अपना कर ले, ठीक है ना। बात समझ आई? उतार लो।